सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल बालवीर रिटर्न्स में अब आए दिन हर कदम पर कोई ना कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलता ही रहता है। इन दिनों देखने को मिल रहा है कि विवान और उसकी मां पर खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में विवान, देबू और अनन्या यही कोशिश कर रही हैं कि वो किसी तरह से तिमनासा के जाल से बच सके। लेकिन दोस्तों बता दें कि यहां पर विवान तिमनासा के जाल में तो फंस जाएगा, लेकिन इसी के बाद ही शो में धमाकेदार ट्विस्ट की शुरुआत होगी। जी हाँ, लेकिन इससे भी बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब अंतिम युद्ध होगा खत्म और विवान पर आएगी एक नई परेशानी। जी हाँ, विवान की परेशानी, उसकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होने वाली है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विवान है श्वेत लोक का राजा। अब अंतिम युद्ध खत्म होने के बाद विवान को जाना होगा श्वेत लोक, लेकिन वो वहां जाने से मना कर देगा क्योंकि विवान है बालवीर और उसकी जिम्मेदारी है धरती लोक को बचाना। ऐसे में वो काफी कंफ्यूज होगा कि उसे श्वेत लोक जाना चाहिए या फिर नहीं। और इसी के साथ अब जहां उसे अपनी असली मां के बारे में पता चल चुका है, तो वो अपनी मां करुणा को छोड़कर नहीं जाएगा। सभी जानते हैं कि विवान जो अपनी मां का सच जान चुका है, वो काफी इमोशनल है क्योंकि वो करुणा से बेहद प्यार करता है। ऐसे में जब उसके सामने सिचुएशन आएगी कि उसे अपनी असली मां के साथ श्वेत लोक रहना पड़ेगा, तो विवान काफी कंफ्यूज होगा, परेशान होगा और वो यही सोचेगा कि वो अपनी मां करुणा के साथ धरती लोक पर ही रहेगा। वहीं आप देखेंगे कि अनन्या श्वेतलोक की राजकुमारी है जो श्वेतलोक चली जाएगी वापस। अब ऐसे में देखना यही होगा कि विवान क्या डिसीजन लेता है, विवान का साथ क्या देबू देगा, अनन्या क्या उसका साथ देगी, क्या कुछ होगा, क्या वो करुणा को छोड़कर चला जाएगा श्वेतलोक, क्या वो वापस फिर कभी धरती लोक पर नहीं आएगा, क्या होता है ये जानने के लिए देखना ना भूले सब टीवी पर बालवीर रिटर्न्स।